नोएडा के गौतम बुद्ध नगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में घुसकर एक महिला ने नवजात बच्चे को अगवा कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। घटना थाना सेक्टर 24 क्षेत्र की है। थाना सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली इशरत पत्नी तनवीर प्रसव के लिए सेक्टर 24 स्थित ESI अस्पताल में मंगलवार को भर्ती हुई थी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। बुधवार को सुबह जब इशरत सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा गायब है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो एक महिला बच्चे को लेकर जाती हुई साफ दिखाई दी। उन्हें कहा गया है कि जल्द ही बच्चे का पता लगाकर उसे उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। 7:30 बजे पैदा हुआ था, दूसरा कमरा में कर दी, औरत पहला ही से थी तो हम सोचे कि इसका मरीजी होगा इसमें, बस वो साथ में बैठने लगी, बहन पारे करने लगी। पता ना 4 बजे भोर में बच्चा लेके निकली है, कोई गार्ड उठ कोई ना देखा, सब कहा था ऐसे तो निकलना, किसी को अंदर जाने देता है बिना कागज का, जाने ना देता है। और वो बिना कागज का कैसे निकली, उसका क्या सबूत है? किसे ले जाते हुए देखा गया बच्चे को? कौन ले जा रहा था? वो लड़की थी, वो आदमी थी। कौन देखा है? मैं कैमरा में तो कर रखी, वो औरत ले जा रही है बच्चा। बेटा था बेटी थी? लड़का था। अच्छा, अरे लड़के लड़के। तो ये कौन सा संतान थी? इससे पहले भी बच्चा है कोई आपकी बहू पर? हाँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो आप? हम खोरा में रहते हैं, बिहार के हैं। पुलिस पहुँची है? पुलिस पहुँची है? कहाँ पुलिस आई है? क्या यहाँ पे आई थी? आज तो कह रहा है कि मिल जाएगा, घबरा मत, मिल जाएगा, घबरा मत, कम मिलेगा। 4 बजे से बच्चा ले गए, इतना लेट हो गया, बच्चा भूखा मर जाता है, क्या क्या ना क्या। परिवार जो है वो ESI का ही बेनिफिशियरी है और खबर ये मिली थी कि हमें जैसे ही नीचे सुबह 6 बजे करीब जो CMO कैजुअलिटी है उनको खबर दी ऊपर के वार्ड्स ने आके, गाइनी वार्ड से आके, कि ऐसे ऐसे एक बच्चा चोरी हुआ है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और उनको फिर कार्रवाई करने के लिए बोल दिया और कार्रवाई पुलिस आ गई है। अब उन्होंने कार्रवाई अपनी स्टार्ट कर दी है, जो भी इंक्वायरी है वो करनी शुरू कर दी है उन्होंने। इसमें अगर स्टाफ की लापरवाही मिलती है तो मैम किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? यदि स्टाफ की लापरवाही मिलेगी तो जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल के कुछ कोड होते हैं, इमरजेंसी कोड होते हैं। मैंने यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड से इमरजेंसी कोड पूछे, जैसे पिंक कोड होता है बच्चे का जब एडिक्शन होता है, कोई बच्चे का अपहरण होता है, तो उसे नहीं मालूम है, तो ये बेसिक एक समस्या है जी। ठीक है, मेरा अफजरुन्निसा नाम है। क्यों आई हो यहाँ पर हॉस्पिटल? यहाँ आए मेरे पड़ोसी में मेरा भाई है, वो पोता भाई को पोता पैदा लिया था यहाँ पे, ASI में लेके आए हैं। उनने मतलब आखिर कल पैदा लिया है, आज सुबह 4 बजे में बच्चे गायब हो गए। लड़का था? लड़का था। तो अब आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, सब कुछ हो गया है। हाँ, अभी तक कोई उसका सुराग नहीं मिला। तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा कि छानबीन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, बात चल रहा है। तो कोई CCTV वगैरह देखा? देखा जी, देखा है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना जी। क्या हुआ है यहाँ पर, किस लिए आए हो आप फैमिली को लेकर? यहाँ हमारे मोहल्ले का एक बच्चा था, वो गायब हो गया है। रात में डिलीवरी हुआ था, वो सुबह 4 बजे करीब गायब हो गया है। अच्छा, उसके मामले में हम आए यहाँ। लड़का था या लड़की? लड़का था सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खोरा कॉलोनी जी सर। तो पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, इंक्वायरी चल रही है, अभी तक कुछ जानकारी नहीं हुई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।